आज अलग ही लग रही है होस्ट एकदम ना। और यहाँ सुधा जी कोने में बैठी हो चुकी है। नहीं नहीं चुपचाप नहीं बोलिए आप भी। देखिए आपका ये सोफा से मैच कर रहा है आपका ड्रेस पता है। हाँ इसलिए सोफा नहीं छोड़ रही है, इसलिए नहीं छोड़ रही है सोफा। सुनो मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। और मैं रीता मिश्रा आरएम लाइफस्टाइल ब्लॉग में फिर से आप सबका वेलकम करती हूं। और सुबह का टाइम है, करीब 9:30 बज रहा है और पति देव जी ऑफिस चले गए हैं। और मैं नाश्ता वास्ता बना के और थोड़ा सा पेड़ पौधों को देखने आई हूँ। और आज अभी बारिश हुई है तो थोड़ा सा पेड़ पौधे में पानी है, थोड़ा मैंने कहा कि थोड़ा सा खाद डाल के और थोड़ी इसकी सबकी गुड़ाई कर दूं। खाली पेड़ पौधे लगाने से नहीं होता, सेवा भी मांगता है। तो आजकल थोड़े से पति देव जी की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कह के चलो अभी थोड़ा सा टाइम था मेरे पास तो मैं ही कर दूं। यही अभी कई सारे पौधे ना वो पानी जब रहता है इकट्ठा तो गल भी जाते हैं तो ये सब देखना पड़ता है। और अभी डेंगू मच्छर मलेरिया वगैरह का टाइम है तो गमले में ना ज़्यादा पानी भी नहीं रहना चाहिए, कहीं स्टोरेज जमा हो तो पानी भी हटा देना चाहिए गमलों से या कोई भी ऐसा पॉट वगैरह हो तो उससे पानी नहीं रखना चाहिए क्योंकि 3-4 दिन के बाद ना लार्वा हो जाता है तो वही डेंगू फिर बनता है और वो उसके मच्छर काटने से कितनी प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए ये सब थोड़ी सावधानी बरसात के टाइम में 3 दिनों में बरतनी चाहिए। ये गिरा है, ये ऊपर से गिरा है और मैं इसको ढूंढ रही थी कि मुझे कहीं से मिले तो मैं लगा दूँ, मैं लगा आती हूँ। ये सब ना कबूतरों का काम होता है, कबूतर बहुत दुखी करते हैं, मेरे कई सारे पौधे कबूतर ने खराब कर दिए हैं। ये है वो जो कहते हैं ना हम लोग क्या सुबह सुबह जो फूल खिलता है इसको हम लोग 10 बजिया कहते हैं, हम लोग के अपने हिसाब से ऐसे क्या कहते हैं इसको पता नहीं, इंग्लिश में मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन सुबह सुबह 8 बजे सुबह 8 से 9, 10, 11 बजे तक बहुत अच्छे खिल जाते हैं। शाम तक जब तक धूप आती है, जैसे धूप पड़ती है खिलना शुरू कर देते हैं। ऐसे बारिश जब होते रहती तो थोड़े बहुत हवा चलती है, उसके बाद ऐसे ही ह्यूमिडिटी है ना हालत ख़राब कर देते हैं। तो आज बहुत ज़्यादा कुकिंग में कुछ खास नहीं था, नॉर्मल सा ही खाना बनाया था। तो ये कल की क्लिपिंग पड़ी हुई है 1-2 दिन की पहले की, जैसे कि आप लोग पीछे ब्लॉग में जुड़े हुए हैं तो पता है कि अभी हमारी सोसाइटी में इलेक्शन हुआ था AO का, तो उसमें मैं भी चुनी गई हूँ। तो हम लोग को ना शाम को बुलाया गया था, जो वरिष्ठ नागरिक हैं हमारे सोसाइटी में, वरिष्ठ लोग हैं उनका एक ग्रुप है तो उन्होंने बुलाया था हम लोग के स्वागत के लिए। तो उसका थोड़ा सा क्लिप मैं डालूँगी और बहुत अच्छा लगा मुझे अभी तक का जितना वेलकम हुआ है तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा चलो आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। और उसके बाद दूसरी छोटी सी क्लिप है जो मैं किट्टी में गई थी तो उस दिन भी मुझे उतना शूट करने का मन नहीं था क्योंकि आजकल थोड़ी भागदौड़ ज़्यादा हो रही है ना तो थकावट हो जाती है तो मुझे ना बस थोड़ा सा तो लेकिन मुझे इतना टेस्टी स्मृति की यहाँ किट्टी थी जो मेरी फ्रेंड है तो उसका इतना टेस्टी वगैरह बना रखी थी ना स्नैक्स तो मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर दी हूँ। तो आप लोग ज़रूर आई होप आप लोग इन्जॉय कीजिएगा। तो चलिए ठीक है यहाँ पर आ गए हैं वरिष्ठ नागरिक वाला हैप्पी बर्थडे सर। वासुदेवन साहब रिकॉर्ड पे ले लो सर आप तो मतलब है कि हम लोगों को अपना रिकॉर्ड फिर से मेंटेन करने की जरूरत है।
तो ये हमारे सब सोसाइटी के सीनियर्स हैं जो रिटायर्ड हैं और सब इनका एक ग्रुप बना हुआ है और बहुत अच्छा सा बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। और मुझे ना कई बार मुझे मन होता था कि मैं जाके इनसे मिलूं लेकिन मौका ही नहीं मिलता था। तो लेकिन इनका एक ऐसा है ग्रुप की जब भी क्योंकि इनके पास अभी समय है तो आके खाली टाइम में अपना आके बैठ के आप ये लोग अपना मीटिंग करते हैं, आपस की बातें करते हैं। और जो भी मैंने देखा कि आज के दिन ना चार लोगों का इसमें बर्थडे था और बर्थडे भी साथ में मनाते हैं तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और देखिए मुझे भी वेलकम कर रहे हैं ये रोज देके और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये सब मैं देखी कि चलो ठीक है, क्या होता है ना कि जब एक समय मिल जाता है ना तो फैमिली में थोड़ी उतनी टाइम नहीं मिल पाती तो आपस में बैठ के अपने बारे में दिनचर्या और जो भी कुछ बात होती है हंसी मजाक की। तो और इसमें कई सारे लोग जो इतने अच्छे भजन भी गाते हैं और इतना अच्छा ये भी है आवाज़ भी है तो बहुत टैलेंटेड लोग हैं और अच्छे अच्छे पदों से रिटायर्ड हैं भी हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आई होप आप लोग को भी अच्छा लग रहा होगा। एक मैं जरूर कहूंगा पूरे सोसाइटी वासियों से भी कि ऐसी कोई चीज न दे जो गलत खेल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ मिल के बिछड़ने को खिलते हैं गुल यहाँ कल रहे ना रहे मौसम ये प्यार का कल रुके ना रुके डोला बहार का कल रहे ना रहे मौसम ये प्यार का कल रुके ना रुके डोला बहार का चार पल मिले जो आज प्यार से गुजार दे खुलते हैं दिल मेरे के बिछड़ने को खिलते हैं जितने भी नाइन के नंबर्स आते होंगे बोर्ड में वो काउंट किए जाएंगे बाकी के जिसके हाईएस्ट मतलब जैसे अब नाइन ना तो नाइन वाले काउंट होंगे जिसके अधिक होंगे वो भी मदर समझ दोबारा बताओ एक बार जो वो टेस्ट किया मतलब कि पहले आंख से उठाने कोई नंबर कॉइन नहीं उठाने एक एक नंबर इस तरह ऐसे निकाल के लगाना है। अच्छा कोई भी नंबर निकाल के ऐसे लगाते जाना है 1 मिनट का टाइम है 1 मिनट तो ये मैं किट्टी में ये जो स्नैक्स बता रही थी बहुत ही टेस्टी यम्मी था इसी चक्कर में मैं थोड़ा सा ब्लॉग भी बनाई और मैं खाए जा रही हूँ गप आगप। और ये जो अमिता जी हैं सामने वो जरा देख रहे हैं टीचर की तरह बात कर रही है हम लोग को समझा रही कि कैसे गेम खेला जाएगा। तो मैं अपने पूरा फोकस अपना स्नैक्स खाने पर लगा रही हूँ तो बहुत मज़ा आता है। यही सब है किट्टी में हम लोग गेम खेलते हैं एंजॉय करते हैं और ये देखिए कितना मस्त है। आप लोग को भी लालच आ रहा होगा ना लेकिन क्या करें ये तो आना पड़ेगा इसके लिए टेस्ट उठाने के लिए और बहुत मेहनत भी की थी तो बहुत अच्छा आया एंजॉय किए। तो यही सब थोड़ा छोटा सा ये ब्लॉग था और फिर मैं अच्छे से वीडियो लेके फिर मिलूँगी आप लोग को। और इससे पिछला ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा हम लोग वाव गए थे और बहुत मज़ा आया बहुत आनंद आया। तो प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट चैनल सब्सक्राइब और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाँ सबको लगता है खाते पीते हैं हम नोट भी हमारे पास आते हैं बहुत सारे। हाँ बिल्कुल सब हाय तो करो हेलो ये होस्ट हेलो कर वाह आज अलग ही लग रही है होस्ट एकदम ना। और यहाँ सुधा जी नहीं नहीं चुपचाप नहीं बोलिए आप भी देखिए आपका ये सोफा से मैच कर रहा है आपका ड्रेस पता है। हाँ इसलिए सोफा नहीं
जोड़ रही है, इसलिए नहीं छोड़ रही है सोफा। सुनो।